दुर्गा के आगमन से सजता है नववर्ष, गुड़ी के त्योहार से खिलता है नववर्ष, कोयल गाती है नववर्ष का मल्हार, संगीतमय सजता प्रकृति का आकार। चैत्र की शुरुआत से होता नव आरंभ, यही है हिंदू नववर्ष का शुभारंभ। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश में 4 अप्रैल से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से ली जानकारी। कहा, 4 अप्रैल को सीएम योगी श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान का करेंगे शुभारंभ। 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों के अभिभावकों को स्कूल भेजने के लिए करेंगे प्रेरित। रामगढ़ताल में गिरने वाले गोड़धुइया नाले का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। कहा, बरसात से पहले सभी नालों की सफाई का है लक्ष्य, शहर जलभराव से होगा मुक्त। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। शनिवार को नगर निगम व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने एयरफोर्स चौकी से नंदा नगर क्रॉसिंग तक सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। एडीएम सिटी ने कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान, दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही। वासंतिक चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने स्थापित किया कलश। सायंकाल गौरी गणेश पूजन भगवती पाठ कर किया आरती, वितरित किया गया प्रसाद। महानगर के एंटी रोमियो व शेरनी दस्ता टीम ने एंटी रोमियो प्रभारी प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में किया नौकायन से काली मंदिर तक मार्च। महिलाओं को सुरक्षा के बारे में दी जानकारी। कहा, किसी भी तरह की समस्या होने पर पुलिस को दे तत्काल सूचना। बीती रात परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा ड्यूटी में लगे गीडा थाना क्षेत्र के सिपाही कविंद्र नाथ यादव की करंट लगने से हुई मौत। पुलिस परेड ग्राउंड पर एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में पुलिस स्मृति स्थल पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गोरखपुर में चल रहे पूर्वांचल विकास निधि के कार्यों के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2079 का हिंदू युवा वाहिनी विश्व हिंदू महासंघ PNM सोसाइटी फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल अपलिफ्टमेंट यूरो किड्स प्री स्कूल सिटी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर किया गया जोरदार स्वागत। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, संचारी रोग नियंत्रण अभियान व दस्तक पखवाड़ा के जरिए ही पूर्वांचल से इंसेफेलाइटिस जैसी महामारी को किया गया है नियंत्रण। और चैत्र रामनवमी के पहले दिन जिले के सभी मंदिरों पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने कहा, चैत्र रामनवमी में 9 दिन मां की पूजा अर्चना करने से पूरी होती है मनोकामना। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्रावस्ती जनपद से किया जाएगा तथा जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालय ब्लॉक संसाधन केंद्रों एवं जनपद कार्यालय पर मुख्यमंत्री के
कार्यक्रम का लाइव प्रसारण की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको देखते हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय के विकास के लिए एक विद्यालय गोद लिए जाने की योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा, स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसको देखते हुए स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों को स्कूल चलो अभियान से जोड़ने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करें, ताकि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजें तथा इस वर्ष से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायक व सांसदों से कहा कि वह एक एक विद्यालय को गोद लें और पढ़ाने वाले शिक्षक भी विद्यालय को गोद लेकर छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का कार्य करें, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने से प्राथमिक विद्यालयों की छवि अच्छी होगी और लोग अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हो तथा बेसिक शिक्षा से जुड़े हर विद्यालय में पेयजल, टॉयलेट, स्मार्ट क्लास और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करें और सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और जूते मोजे की व्यवस्था हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, नामांकन है उसको प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा कराया जाता है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर इसके लिए धनराशि भी BSS को दी जा चुकी है और हर विद्यालय को 1000 रुपये और BSA को 2 लाख रुपये कार्यक्रम कराने के लिए ऑलरेडी निर्गत किया जा चुका है, निर्देश दिए जा चुके हैं सर, जो कि पूर्व वर्षों की तरह ही है और स्कूल चलो अभियान संचालित किया जाना है सर। जो पिछले 5 वर्षों में सर इसमें इसके जो परिणाम आए हैं नेक्स्ट सर ये सामने है सर, 1,52,00,000 से नामांकन 2016-17 में जो नामांकन था आज की तिथि में पिछले वर्ष सर ये 1,73,00,000 पे है सर। ये हम लोगों ने इसके जिलाधिकारियों के लिए BSS के लिए ये अनुरोध जारी कर दिया है कि सभी क्षेत्रीय विद्यालयों में और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 10 से 11 का कार्यक्रम होगा, सम्मानित जनप्रतिनिधियों को इसके लिए अनुरोध भी करेंगे कि एक एक स्कूल एक विद्यालय को वो बोल लें और उसमें ये देखें कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्यक्रम है और गुणवत्ता जो है पढ़ाई की, और ये कार्यक्रम सर पूरे 1 माह चलेगा, पूरे अप्रैल तक ये चलेगा। अभिभावकों को बुला करके सम्मानित किया जाए और जो विद्यालय प्रबंध समिति है उनके सदस्यों से अनुरोध किया जाए कि हाउस टू हाउस दूर करें, तो सर्वे का एक पर्पस ये भी होना चाहिए कि उसको आइडेंटिफाई करें कि किन कारणों से, हो सकता है व्यक्तिगत कारणों से, हो सकता है कि परिवार के कारणों से निर्भरता, हो सकता है दूर करने की जरूरत है। जिन प्रधानाध्यापकों ने नामांकन में पिछले वर्षों में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है ऐसे प्रधानाध्यापकों को बुला करके सम्मानित किया जाना चाहिए। जिन ग्राम प्रधानों ने उपयुक्त किया है ऐसे ग्राम प्रधानों को या और कोई व्यक्ति है उनको बुला करके सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए वो एक उदाहरण बने और बाकी भी इंस्पायर करें कि उस काम को करें। और फिर एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या एक आइटम उसमें पूरी सब्जी हो सकती है तो वो स्थानीय स्तर पर आप करें। सर मैंने इसमें ये भी डाल दिया है ताकि जिलाधिकारियों से अनुरोध रहे, एक बार ये देख लें उनके जनपद की तस्वीर उनके सामने होगी, जैसे स्वच्छ पेयजल व्यवस्था है तो 94% पे हम लोग हैं सर अभी, उसी तरह बालकों के लिए शौचालय 91% पे है, बालिकाओं के लिए शौचालय 92%, जल की व्यवस्था है शौचालयों में 80% है, शौचालयों का डायरी कर 76% है, दिव्यांग शौचालय 29% पे ही है। तो ये अपने अपने फिगर्स देख करके जनपद में हैंड वॉशिंग यूनिट 86%, किचन से 89%, टाइलीकरण कक्षों का 56%, ब्लैक बोर्ड जो है वो 100%, विद्यालय भवन के रंगाई पटाई 95%, दिव्यांग के लिए जो रैंप है वो 85%, विद्युत उपकरण वार्ताई वायरिंग 92%, विद्युत संयोजन 80%, ओवर हेड टैंक के साथ जल व्यवस्था 81%,
मालिकों के लिए यूरिनल 70%, मालिकाओं के लिए 72%, कंडीटर 29% और स्टोर की चार दीवारी 71%। तो डीएम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीएसए के साथ बैठ करके जिनने जिन आइटम्स जो उनके जनपद पीछे हैं उनको देख लेंगे कहाँ से जब फेरी करेंगे। हम लोगों ने पंचायत विभाग से ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट किया। आपका ये साल बहुत सफलता का साल हो, बहुत सारे आपका अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपका परिवार खुशहाल हो और आप लोग ऐसे कुछ काम करें जो कि देश आपके उस काम से बहुत जो जो जिस लक्ष्य को लेकर चलना उसकी प्राप्ति हो। साथ ही साथ आज हमारा जो है नवरात्र का बहुत ही शुभ दिन है, पहला दिन है नवरात्र का, काली पहला दिन है, तो इसके लिए भी मैं सारे लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हम लोग अब अभी बात करने जा रहे हैं आगामी चार तारीख को, आज 2 तारीख है, 2 दिन के बाद जो कार्यक्रम है स्कूल चुनाव अभियान जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री करेंगे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके पहले कि मैं आपसे बात करूं, ऐसा ये प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम नहीं है, ये अभी दीपक साहब ने जो दिखाया उसके मुताबिक लगभग 30 लाख की वृद्धि की गई है, पिछले 4-5 सालों में वृद्धि की गई है। ये कैसे हुई है सारा आप लोगों ने किया है, आपके पूर्वाधिकारियों ने किया है, आप सबने मिलकर भी किया है, तो मैं सुनना चाहूँगा, 2-4 लोगों को सुनना चाहूँगा, कुछ एक पीएम को, कुछ एक कमिश्नर को सुनना चाहूँगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मैंने कहा था कि इसमें रहने के लिए उनको भी सुनना चाहूँगा कि आपने क्या क्या जो सक्सेसफुल किया, हमें देर इज अ सक्सेस स्टोरीज। तो लेट मी स्टार्ट विद फ्यू बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो एक दो को मैं सुनना चाहूँगा उन्होंने क्या काम किया जिससे कि स्कूल चलो अभियान में उनके जिले ने बहुत अच्छा सक्सेस किया, या जो ऑपरेशन आया कल उस पर बहुत ज़्यादा बेहतर काम किया, जो तमाम सारी आधारभूत सुविधाएं होती है उन सुविधाओं को पूरा करने में आज माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सभी जिलों के स्कूल चलो अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 तारीख को जनपद श्रावस्ती से प्रारंभ किया जा रहा है उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए और जो विभिन्न जनपदों में जो सबसे सराहनीय कार्य हुए हैं उसके उदाहरण भी हमें दर्शाया गया। यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है और सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराते हुए उनके ठहराव के लिए, उनके शैक्षिक गुणवत्ता के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी, कार्ययोजना की गई बनाई गई है, उसके अनुसार आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने शनिवार को मोहद्देपुर स्थित रामगढ़ ताल में गिरने वाले गोड़धुइया नाले का नगर निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बरसात शुरू होने से पहले बरसात की जो जल निकासी की परंपरागत परंपरा है जिसको देखते हुए रामगढ़ ताल में गोड़धुइया नाले की सफाई करवाया जा रहा है, जिसके लिए 250 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं और 16 से ज्यादा मशीन लगाई गई है जिसका नगर आयुक्त के साथ निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि इस बरसात में शहर में जलभराव ना होने पाए और लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिले, जिसके लिए अभियान चलाकर सभी नालों की सफाई करवाया जा रहा है और नाले पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करके खाली करवाया जाएगा। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, पेपर कराए तो पूछा लिखना
बरसात के शुरू होने के पहले हमारे जो मुख्य जल निकासी की व्यवस्था जो परंपरागत है गौरदोले नाले की, उसकी सफाई की कार्रवाई नगर निगम द्वारा लगाई गई है और यहाँ पे 250 से ज़्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं, 16 से ज़्यादा मशीनें लगाई गई हैं, मिशन मोड पे काम हो रहा है। उसका निरीक्षण करने के लिए मैं और नगर आयुक्त साहब आज आए हुए थे, पूरी टीम यहाँ उपलब्ध है। हम लगातार अनुश्रवण करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि इस बार जल भराव की समस्या से लोगों को राहत मिले और नाले के जो नेचुरल फ्लो है ग्रेडियंट को मेंटेन करते हुए हम लोग सफाई करवा दें, सिल्ट निकलवा दें और उसकी निकासी सुनिश्चित करा दें। सभी अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है, उसमें प्रवर्तन किया जाएगा और अतिक्रमण मुक्त नाले को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। जनपद में शनिवार को नगर निगम और ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने एयरफोर्स चौकी से नंदा नगर क्रॉसिंग तक सड़क पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर के माध्यम से खाली करवाया गया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम व ट्रैफिक विभाग के साथ अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत सड़क पर हुए अतिक्रमण की वजह से रोज शहर में जो जाम लगता है उसको खाली करवाया गया, जिसमें कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से खाली कर दिया और कुछ लोगों का बुलडोजर की मदद से हटवाया गया। उन्होंने कहा आगे भी मजिस्ट्रेट और संबंधित चौकी प्रभारी सड़क से हटे अतिक्रमण की देखरेख करेंगे, अगर इसके बाद भी कोई व्यक्ति फिर से अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एटीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा गाड़ी के रहे।
मोटरसाइकिल किसका हटो अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त विभाग जो हैं पुलिस प्रशासन ट्रैफिक और नगर निगम ये सब सहयोग कर रहे हैं। और इसमें पूर्व चिन्हित स्थल हैं जिनके बारे में पहले सर्वे किया गया था, कहाँ का अतिक्रमण होता है सर्वे किया गया था। तो आज उसी से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि, उनसे संपर्क कर लिया गया, व्यापार मंडल से संपर्क कर लिया गया है और सभी इस अभियान में हमारा साथ दे रहे हैं। जो भी दुकानदार अपने आगे बढ़ के बनाए हैं वो भी साथ दे रहे हैं, अपने स्वतः लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि पूरी तरह से रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और जनता को सहूलियत दी जाएगी। देखिए, ये पहले देखने में आया है कि लोग अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ दिनों बाद अतिक्रमण कर लेते हैं वापस। तो इस बार हमने स्थानीय चौकी इंचार्ज और वहाँ के लेखपाल की भूमिका तय कर दी है कि उनकी जिम्मेदारी वहाँ कोई अतिक्रमण ना हो। अगर फिर भी अतिक्रमण होता है तो दुकानदार जो अतिक्रमण करता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, साथ साथ जो भी स्थानीय चौकी इंचार्ज और जो भी स्थानीय वहाँ का प्रशासन है उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न विभागों के सहयोग से, सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से ये अतिक्रमण विरोधी अभियान शहर में चलाया जा रहा है, जो कि लगातार जारी रहेगा। अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने से पहले हमने सभी के लिए सूचित किया है ऑडियो वीडियो माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, जो भी लोग सड़क पर अतिक्रमण करेंगे और सुगम यातायात में बाधा बनेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और ये अभियान हमारा अनवरत जारी रहेगा। लोग फिर अतिक्रमण करेंगे तो इनके खिलाफ नियमानुसार चालान और अभियोग दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। दोबारा अतिक्रमण ना करें इसके लिए मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की अलग से टीमें बनाई गई हैं जो नियमित रूप से ये वाच करेंगी कि दोबारा ये अतिक्रमण ना हो। ये नगर निगम और ट्रैफिक और मजिस्ट्रेट के द्वारा एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। जो भी शहर में अतिक्रमण किए हुए हैं और उनकी वजह से शहर में ट्रैफिक में जाम लगता है और शहर की जनता परेशान होती है, उससे निजात दिलाने के लिए हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके तहत निष्पक्ष रूप से जो भी लोग शहर सड़क पर अतिक्रमण करके जाम फैलाने में अपना योगदान करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसको हटवाया जा रहा है। इसके लिए लगातार चौकी इंचार्जों के माध्यम से मॉनिटरिंग भी कराई जाएगी। हमारे मजिस्ट्रेट भी रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, उनको प्रभारी बनाया जाएगा हर एरिया का और वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ से भी हम लोगों ने अतिक्रमण हटवाया है उस पर दोबारा अतिक्रमण होता है तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई और नियम संगत जो भी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। वासंतिक चैत्र नवरात्र के अवसर पर प्रथम दिवस पर गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने कलश स्थापना किया। इस अवसर पर कलश स्थापना के साथ गणेश पूजन और भगवती पूजन, पाठ एवं आरती 11 संस्कृत के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित कुमार मिश्रा, श्री पुरुषोत्तम चौबे, नित्यानंद तिवारी, शशांक कुमार पांडे, विशाल पांडे, मोनू पाठक, रूपेश मिश्रा, शशि कुमार, विनय गौतम मौजूद रहे। इसके पूर्व आज प्रातःकाल बेला में माता शैलपुत्री का पाठ एवं आरती भी किया गया तथा सायंकाल में सर्वप्रथम गौरी गणेश पूजन, कलश स्थापना, भगवती पाठ, आरती किया गया। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। Oh,
प्रभारी प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में महानगर की शेरी दस्ता व एंटी रोमियो टीम ने नौकायन से काली मंदिर तक मार्च किया, जिसके संबंध में एंटी रोमियो प्रशाली गंगवार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर नगर क्षेत्र के सभी थानों की एंटी रोमियो टीम व शेरी दस्ता टीम के साथ नौकायन से काली मंदिर तक मार्च किया गया। उन्होंने कहा नौकायन पर महिलाओं को एंटी रोमियो के बारे में जानकारी दी गई कि किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे या नौकायन ड्यूटी पर लगी एंटी रोमियो टीम को सूचना दे और उसके बाद काली मंदिर दर्शन करने आई महिलाओं को भी शेरनी दस्ता एंटी रोमियो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को उनकी सुरक्षा के बारे में बताया गया व पुलिस हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी तरह की समस्या होने पर पुलिस को तत्काल सूचना दे। उन्होंने कहा कि चैत्र रामनवमी को देखते हुए सभी मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे कि कोई भी अराजक तत्व किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार ना कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एंटी रोमियो प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस प्रशाली गंगवार ने कहा सुबह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र के जितने भी थाने हैं उसकी एंटी रोमियो टीम और शेरनी दस्ता टीम, जिसको महिला सुरक्षा दल कहा जा रहा है, उनके द्वारा नौकायन से काली मंदिर तक मार्च किया गया था। नौकायन पे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया गया था और काली मंदिर पर भी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया गया था।
उनको उनकी सुरक्षा के बारे में बताया गया, महिला हेल्पलाइन नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर के बारे में व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया गया और जिसको जो भी कोई समस्या है वो एंटी रोमियो टीम या महिला सुरक्षा दल के जो भी मेंबर्स हैं वहाँ पर उनको संपर्क करके उनकी समस्या का निस्तारण करवा सकते हैं। देखा जाए नवरात्र चला, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है महिलाओं को, फिर किस तरह के काम करेगी एंटी रोमियो टीम? इसके लिए विभिन्न जो मंदिर हैं उन सब में जो थानों से संबंधित एंटी रोमियो टीम है वो जाके वहाँ के जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो परेशान कर रहे हैं महिलाओं को उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको समझाएंगे और अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पे कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। गीडा थाना क्षेत्र के देवी पार्क स्थित स्वर्गीय रामरति देवी कन्या इंटर कॉलेज में बीती रात परीक्षा के संबंध में रात को सुरक्षा ड्यूटी में लगे सिपाही कविंद्र नाथ यादव की करंट लगने से मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि मृतक सिपाही कविंद्र नाथ यादव पुत्र सुदर्शन सिंह यादव गाजीपुर जिले का रहने वाला था जो कि 2018 बैच का सिपाही था और वह गीडा थाना क्षेत्र के पिपरौली चौकी पर तैनात था, जिसके शव को शनिवार की शाम पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर लाया गया, जहां पर पुलिस शहीद स्मृति स्थल पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के साथ रवाना कर दिया गया। इस मौके पर गीडा थाना प्रभारी संतोष कुमार, नौसर चौकी प्रभारी सूरज कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कह रहे हैं कि मिल जाएगा, मत परेशान हो, चलो चलो परेशान, एक मिनट रुक जाओ, इधर आराम करा देता हूँ सर। ये श्रमिक।
एसी बंद थी भाई। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश में 4 अप्रैल से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से ली जानकारी। कहा, 4 अप्रैल को सीएम योगी श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान का करेंगे शुभारंभ। 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों के अभिभावकों को स्कूल भेजने के लिए करेंगे प्रेरित। रामगढ़ ताल में गिरने वाले गोरधुइया नाले का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। कहा, बरसात से पहले सभी नालों की सफाई का है लक्ष्य, शहर जलभराव से होगा मुक्त। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। शनिवार को नगर निगम व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने एयरफोर्स चौकी से नंदा नगर क्रॉसिंग तक सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। एडीएम सिटी ने कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान, दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही। वासंतिक चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने स्थापित किया कलश। सायंकाल गौरी गणेश पूजन, भगवती पाठ कर किया आरती, वितरित किया गया प्रसाद। महानगर के एंटी रोमियो व शेरनी दस्ता टीम ने एंटी रोमियो प्रभारी प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में किया नौकायन से काली मंदिर तक मार्च। महिलाओं को सुरक्षा के बारे में दी जानकारी। कहा, किसी भी तरह की समस्या होने पर पुलिस को दे तत्काल सूचना। बीती रात परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा ड्यूटी में लगे गीडा थाना क्षेत्र के सिपाही कविंद्र नाथ यादव की करंट लगने से हुई मौत। पुलिस परेड ग्राउंड पर एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में पुलिस स्मृति स्थल पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गोरखपुर में चल रहे पूर्वांचल विकास निधि के कार्यों के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2079 का हिंदू युवा वाहिनी विश्व हिंदू महासंघ PNM सोसाइटी फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल अपलिफ्टमेंट यूरोकिड्स प्री स्कूल सिटी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर किया गया जोरदार स्वागत। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, संचारी रोग नियंत्रण अभियान व दस्तक पखवाड़ा के जरिए ही पूर्वांचल से इंसेफेलाइटिस जैसी महामारी को किया गया है नियंत्रण। और चैत्र रामनवमी के पहले दिन जिले के सभी मंदिरों पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने कहा, चैत्र रामनवमी में 9 दिन मां की पूजा अर्चना करने से पूरी होती है मनोकामना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पूर्वांचल विकास निधि के कार्यों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने उर्वा बड़हलगंज चौराहे पर चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि काम लगभग पूरा हो चुका है, कुछ काम बचा हुआ है जिसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य व रोड को समय से पूरा कर लिया जाए, जिससे कार्य को अविलंब शुरू कराया जा सके। अगर किसी भी अधिकारी ने कार्यों में लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कार्यों को समय से पूरा किया जाए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोलवा बड़कगंज चौराहे पर बाटपान मार्ग का निर्माण कार्य प्रांतीय खंड बताइए आप क्या हैं? हाँ बताइए। काम तो पूरा हो गया है, बस पैसे की डिमांड समझा रही है, दो साल से वो हो नहीं पा रही थी। सेक्रेटरी से आई थी, बाद में डिमांड गई है। काम पूरा हो गया है, जान छुटा दी। हाँ, राम जानकी मार्ग का पक्का बाजार सही हो ये तो। हाँ, कौन है कॉन्ट्रैक्टर? आप ही ओके यही कामन ई ठीक है। नौ वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2079 का स्वागत गोलघर चेतना तिराहा पर हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू महासंघ, PNM सोसाइटी फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, यूरो किड्स प्री स्कूल, सिटी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। कार्यक्रम संयोजक इंजीनियर PK मल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए सभी उपस्थित जनों को भगवा ध्वज भेंट की एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, हिंदू युवा वाहिनी के महानगर महामंत्री आशीष गुप्ता, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश मुन्ना, शिवेंद्र विक्रम सिंह, मदन अग्रहरी, प्रहलाद गुप्ता, राजेश सिंह, प्रमोद उपाध्याय, कैलाश सिंह, सत्यनारायण पासवान, राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा, अभय सिंह, मन्नू सोनकर, अंगद कुशवाहा, राजा त्रिपाठी, अभिषेक शाही, दुर्गेश त्रिपाठी, मीरा दुबे, सुमन श्रीवास्तव, राम विनय सिंह, GK द्विवेदी, मिथिलेश मल, अश्वनी सिंह, स्वामीनाथ खरवार, अशोक सिंह, आकाश सिंह, पन्नेलाल पासवान, सुभाष यादव, बलराम चौहान सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं आमजन की सहभागिता रही। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरगावा से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सामुदायिक प्रयासों से सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास फलीभूत होंगे तथा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक पखवाड़े के जरिए ही पूर्वांचल की इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को नियंत्रण में लाया जा सका है। उन्होंने मौजूद लोगों को शपथ दिलाया कि वह स्वच्छता अपनाएंगे और समुदाय को बीमारी से बचाएंगे। इसके साथ ही पंचायत राज विभाग से आग्रह किया कि गांव-गांव में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाएं। वहीं इस अवसर पर CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा, जबकि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक पखवाड़ा आयोजित होगा तथा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान महीने भर स्वास्थ्य विभाग जन जागरूकता अभियान, रोगियों के उपचार की व्यवस्था, संचारी रोग और दिमागी बुखार की निगरानी, संचारी रोग और कोविड के लक्षण वाले व्यक्तियों की जांच की व्यवस्था, लक्षण के अनुसार रोगियों की जांच की व्यवस्था, मच्छरों की दृष्टि से हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में अंतर विभागीय सहयोग, मच्छरों को समाप्त करने की व्यवस्था, रोगियों का निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था, ग्राम व नगर विकास के सहयोग से
वाहक यंत्र गतिविधियां, प्रचार प्रसार व व्यापक परिवर्तन कर नोडल अधिकारी के तौर पर अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख चरगावा वंदना सिंह सहित आशा व आंगनबाड़ी वर्कर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइश के विधायक महेंद्र पाल सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय भी आ चुके हैं और चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा कि हमारे और हमारे पारिवारिक हमारे संचारी रोग नियंत्रण अभियान के जो आज का कार्यक्रम है, जो जिसका उद्घाटन हमारे अपर जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे विधायक जी, माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्रपाल सिंह जी, हमारे जो है ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, हमारे जो है विधायक के प्रतिनिधि, सभी लोग द्वारा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा, सबके द्वारा आज जो है ये दीप प्रज्वलित करके स्वागत किया जा रहा है। जो हो रहा है सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन और वंदन है। कराने के लिए प्रतिबद्ध है, रोग मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम शपथ लेते हैं कि व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। सभी आशा एनम जो है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सुअर बाड़े घर से दूर बनाए और झोला छाप डॉक्टर से दवा तो कभी न लाए। बुखार हो तो तुरंत सरकारी अस्पताल में इलाज कराए और कोरोना से भी करो सुरक्षा पूरी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हाथों की साबुन से धुलाई बार बार, रुमाल या कोहनी से ढक कर ही छींको। आज का कार्यक्रम संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है सिद्धार्थनगर से आज 2 अप्रैल को शुरू हो रहा है, जो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में हर एक नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की होती है और जो हमारे बच्चे हैं वो कल देश के भविष्य हैं, तो ऐसे में हमारा बच्चा जो भी है वह कुपोषण का शिकार न हो। ये जो इंसेफेलाइटिस की बीमारी 2017 के पहले जो एक गंभीर बीमारी के रूप में जिसमें हमारे बच्चे असमय मौत जिन बच्चों की होती थी, उस पर नियंत्रण पाने के लिए जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, काला जार है और तमाम ऐसी बीमारियां हैं जैसे उसमें आपका टीबी है, मलेरिया है, इन सारे कोई बच्चे हमारे कुपोषण के शिकार न हो, इसके लिए ये जागरूकता का अभियान 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और उसी के शुरुआत के क्रम में आज हम सब गोरखपुर ज़िले का ये कार्यक्रम चरगावा जो हमारी PHC है यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे जी हैं, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK चौधरी जी हैं और यहाँ पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव जी हैं, यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी धनंजय कुशवाहा जी हैं, सभी हमारे यहाँ पर डॉक्टर की पूरी टीम उपलब्ध है, हमारी सभी यहाँ पर आशा कार्यकर्त्री बहनें भी उपलब्ध हैं, हमारे इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानी लाल जी गुप्त जी हैं, हमारे ज़िले के दोनों मंत्री भी आज इस कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह जी, रामानंद यादव जी, जिला पंचायत सदस्य रामग्रह चौहान जी, सभी हमारे कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री जी के इस अभियान को आज इस ब्लॉक चरगावा में जो शुरू हो रहा है उसी निमित्त हम सब ये कार्यक्रम करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि संचारी रोग 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में एक भयावह बीमारी के रूप में था और एक बीमारी का एक ऐसा दैत्य था जिसके ऊपर जो है हम लोग किसी भी तरह से काबू नहीं पा रहे थे। जब हमारे क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया उसी वक्त उन्होंने यह कठोर संदेश दिया कि हम इस
संक्रामक रोग जैसी बीमारी को निश्चित रूप से हम खत्म कर देंगे। और उसी की परिकल्पना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साल में 3 बार जो है संचारी रोग नियंत्रण माह शुरू किया, और इसी का जो है इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग पहली कड़ी शुरू कर रहे हैं। ये 1 माह का कार्यक्रम होता है और यहाँ पर जो है हम लोग चरगवा में अपने लोकप्रिय माननीय विधायक जी के नेतृत्व में इसका शुभारंभ कर रहे हैं। और इसके तहत जो है हमारे 12 विभागों के समन्वय प्रयास से हम लोग जो है गांव में साफ सफाई का संदेश देंगे, झाड़ियों की सफाई करेंगे, लोगों को स्वच्छ जल पीने की सलाह देंगे, संक्रामक रोगों से बचने के उपाय बताएंगे और मच्छरों को कम करने की सलाह देंगे। इसके बाद जो है हमारा 15 दिन के बाद हमारा एक दस्तक का महाअभियान चलता है, जिसमें हमारी जो स्वास्थ्य की देवियाँ होती हैं ये घर घर गाँव गाँव में जा कर के उन पर जो है बुखार के मरीज, कोरोना के मरीज, टीबी के मरीज, कुपोषण के मरीज तथा घरों में जो भी बच्चे जिनके घरों में मच्छर पनपने की शिकायत होती है उनको लेती हैं, और जो भी कोरोना लाइक लक्षण के लोग होते हैं उनको दवाओं का वितरण करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सामाजिक उत्थान का एक कहते हैं कि हमारा माह चल रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग देवी का आवाहन कर रहे हैं, देवी जो स्वयं हम लोगों के भारतवर्ष पर कृपा करती हैं, खास करके प्रदेश पर उनकी महती कृपा है। और हम लोग इसी पावन पर्व के अवसर पे दिन हमारा 9 वर्ष के दिन से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यकीनन हम लोग जो है बीमारी के जो महासुर है इसको हम लोग जो है ख़त्म करने में सफल होंगे। और इसी साथ और आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम की बढ़ चढ़ करके आप लोग प्रचार प्रसार करिए, आमजनों में किए कि सबसे पहले जो मुख्य चीज़ें हैं कि खाना खाने के पहले हाथ धुल लिया करें, शौच बाहर करने न जाएं, जो शौचालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घरों में बनवाया है जो सामुदायिक शौचालय उसका प्रयोग करें, और शौच के बाद साबुन से हाथ धुलें, स्वच्छ जल का पानी पिएं, कहीं पर भी जो पानी जो है साधारण नल का नहीं पीना चाहिए, जो सामान्य हैंडपम्प होते हैं इंडिया मार्का सरकार ने प्रत्येक 2-2 किलोमीटर की दूरी पे लगा रखा है, आप वहाँ का पानी पीजिए, साफ सफाई बरतिए, व्यक्तिगत स्वच्छता बरतिए, मच्छरों को घर में मत पनपने दीजिए, अपने नौनिहालों को जिनको स्कूल भेजते हैं उनको मोटे कपड़े पहनाइए, स्कूल में उचित प्रकाश की व्यवस्था हो और स्कूलों में प्रकाश जिससे कि खुला वातावरण जो है शुद्ध हो, जिससे कि मच्छर वहाँ ना रहने पावे, और साफ सफाई करिए, खास करके अपने छोटे बच्चों को झाड़ियों के किनारे खेलने के लिए मत भेजिए, खेतों में जो चूहे होते हैं उनको भी मारने की व्यवस्था करिए, घरों में छूदर नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का सबको जागरूकता फैलाने के लिए आम जन के बीच में, और एक सुखद संदेश ये भी है कि जहां हम लोग जो है पिछले वर्ष इस माह तक भी हमारे जनपद में 3 मौतें हो चुकी थी, अभी तक जो है जनवरी से लेकर के अब तक हमने कुल 8 मरीज हमारे पास JEIS के चिन्हित किए गए हैं और कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, ये अपने जनपद के लिए गौरव की बात है। ये सब हमारे सरकार के नेतृत्व का परिणाम है, कुशल निर्देशन का है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और सदैव हम लोगों से संवाद कर करके हम लोगों को निर्देशित करते रहते हैं, उसी का परिणाम है कि हम लोग जो है सतत इस बीमारी को ख़त्म करने का चल रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से गोरखपुर संक्रामक रोग बीमारियों से मुक्त रहेगा। धन्यवाद। जनपद में शनिवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जिले के सभी मंदिरों पर सुबह से ही मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोग बारी बारी से लाइन में लगकर मां के दर्शन कर रहे थे। लोगों ने मंदिर में विधि विधान से नारियल फोड़कर व धूप अगरबत्ती जलाकर विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके संबंध में दाऊदपुर काली मंदिर के पुजारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि शनिवार को चैत्र नवमी प्रारंभ हुई है और लोग सुबह से ही मंदिर में आकर माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि में मां की पूजा अर्चना करने पर लोगों की मनोकामना पूरी होती है, जिससे लोग अपने श्रद्धा भाव से मंदिर में आकर पूजा कर रहे हैं और कुछ लोग घरों पर कलश स्थापना करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दाऊदपुर काली मंदिर के पुजारी विजय शंकर पांडे व मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालुओं ने कहा, Thank you.
पुत्री, उसके बाद कल जो है रवि श्रृंगार होगा, लाल होगा माता का। डॉक्टर त्रिलोक टी एन जायसवाल, अब मानता है यहाँ काली जी के बहुत मानता है, जो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं हर साल, जो है हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो मनोकामना होता है उसको मन पूर्ण होता है, और यहाँ पे हर लोग अलग अलग दिन अलग अलग देवियाँ आती हैं। हाँ, अलग अलग दिन में जी जी नवरात्र नौ देव देवियों का वो है, तो वही है। संजीव तिवारी एडवोकेट जी, नए वर्ष में हम लोग हिंदू लोग भूल गए थे अपनी संस्कृति, अब धीरे धीरे हम लोग फिर जागृत हो रहे हैं और देख रहे हैं चारों तरफ भीड़ अब दिखाई दे रही है। हम सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से इच्छा करते हैं कि विश्व में शांति हो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ हम सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पीयूष तिवारी, हाँ, जो से हमारे यहाँ मंदिर में, इस काली मंदिर में एक महात्म्य है कि नौ दिन का नौ कलर का श्रृंगार होता है, नौ रंगों का, और इसी उसमें जो है पहले दिन आज शनिवार के दिन काला श्रृंगार जो है माँ का इस रूप में किया गया है। इसी तरह रविवार को जो है लाल श्रृंगार, सोमवार को हरा श्रृंगार, मंगलवार को केसरिया श्रृंगार, बुधवार को इसी तरह से सारे कलर्स के श्रृंगार किए जाएंगे और माँ के नौ रूप का दर्शन जो है अलग अलग रूपों में कराया जाएगा। बताते हैं मंदिर ये बहुत प्राचीन है, लोग मंदिर का महात्म्य यह है कि 250-250 साल पुराना है इतिहास, मोटा मोटी ये लोग बताते हैं कि 250-250 साल पुराना है। मात का एक पिंड है यहाँ पे, वही पिंड के रूप में माँ उपस्थित हुई थी यहाँ, अपने आप वो हुई थी, फिर धीरे धीरे उसको एक मूर्त रूप देते हुए लोगों ने, भक्तों ने जो है इस तरह के किया, और ये बहुत पुरानी मूर्ति है। 50 वर्षों से तो मैं ही दर्शन कर रहा हूँ, बाकी उसके पहले जो है लोग बताते हैं किसी तरह से काफ़ी सालों से लोग जो है दर्शन करते हुए आते हैं। और महात्म जो आपकी जो आंतरिक इच्छा होती है उसको हमें नहीं लगता है कि कभी माँ ने ऐसा किया है, मेरी सारी इच्छाएं इसी से पूर्ण हुई हैं। विजय शंकर पांडे, यह मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है, आज से तो है नहीं, और भगवान का जो भी अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, ठीक ना। और नवरात्र व्रत का महत्व अनंत है, आज से बना नहीं है, बहुत प्राचीन समय से बना हुआ है, सब लोग जानते हैं क्या फल है, क्या उसका पूजा है, क्या विधि है। व्रत रहते हैं लोग पहले दिन जो आदि और अंत में व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई कलश स्थापना कराता है, जिसकी जो मनोती होता अपना अपना मन्नत मांगता है कि नहीं। भगवती जगदम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है अनेक रूप में, सर्व रूपमयी जगत, सर्वदेयीमयी जगत, अतो हम विश्वरूपाम तो हम नमामि परमेश्वरी। जिस भावना से माँ का जो आराधना करता है उसको माँ उसी भावना से प्राप्त होती है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश में 4 अप्रैल से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से ली जानकारी। कहा, 4 अप्रैल को सीएम योगी श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान का करेंगे शुभारम्भ। 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों के अभिभावकों को स्कूल भेजने के लिए करेंगे प्रेरित। रामगढ़ताल में गिरने वाले गोरधुइया नाले का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। कहा, बरसात से पहले सभी नालों की सफाई का है लक्ष्य, शहर जलभराव से होगा मुक्त। अति
अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। शनिवार को नगर निगम व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने एयरफोर्स चौकी से नंदा नगर क्रॉसिंग तक सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। एडीएम सिटी ने कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही। वासंतिक चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने स्थापित किया कलश। सायंकाल गौरी गणेश पूजन, भगवती पाठ कर किया आरती, वितरित किया गया प्रसाद। महानगर के एंटी रोमियो व शेरनी दस्ता टीम ने एंटी रोमियो प्रभारी प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में किया नौकायन से काली मंदिर तक मार्च। महिलाओं को सुरक्षा के बारे में दी जानकारी, कहा किसी भी तरह की समस्या होने पर पुलिस को दे तत्काल सूचना। बीती रात परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा ड्यूटी में लगे गीडा थाना क्षेत्र के सिपाही कविंद्र नाथ यादव की करंट लगने से हुई मौत। पुलिस परेड ग्राउंड पर एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में पुलिस स्मृति स्थल पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गोरखपुर में चल रहे पूर्वांचल विकास निधि के कार्यों के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2079 का हिंदू युवा वाहिनी विश्व हिंदू महासंघ PNM सोसाइटी फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल अपलिफ्टमेंट यूरोकिड्स प्री स्कूल सिटी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर किया गया जोरदार स्वागत। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, संचारी रोग नियंत्रण अभियान व दस्तक पखवाड़ा के जरिए ही पूर्वांचल से इंसेफेलाइटिस जैसी महामारी को किया गया है नियंत्रण। और चैत्र रामनवमी के पहले दिन जिले के सभी मंदिरों पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने कहा, चैत्र रामनवमी में 9 दिन मां की पूजा अर्चना करने से पूरी होती है मनोकामना। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।